पापा के घर से हर समस्या का समाधान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको बताते रहेंगे घर और रसोई से जुड़ी रोचक चटपटी छोटी मोटी टिप्स ट्रिक्स रेसिपीज और ढेर सारी कहानियाँ, जिनको अपनाने से और एक बार ट्राई कर लेने से आपको आपके जीवन में मिलेंगी ढेर सारी तालियाँ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, याद रखिएगा बेल आइकन दबाना ना छूटे, क्योंकि इससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। मक्की का आटा सबसे पहले छानना होता है, ठीक है? छानने से हमें ये पता लग जाता है कि इसमें मुझे भी ये पूरा बन गया। अब इस ये आटा हमने छान लिया, अब इसमें हमने क्या मिलाना है वो बता दें। हमने अजवाइन डालनी होती है, एक चम्मच अजवाइन डाली मैंने, इसको हमने रगड़ना है अच्छे से, फिर डालनी होती है। एक चम्मच नमक डालेंगे इसमें। ये जो हमारा मक्की का आटा होता है ना, इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, लेकिन हमें गर्म डालना है, गर्म पानी से भूनते हैं, जमा के रखते हैं, थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। बाकी पीछे करते हैं, ये हमने इसको जितना भी करेंगे ये मैश करेंगे, पानी ज़्यादा डाल दिया। ये इसमें ऐसा हाथ का ये जो जगह होती है, इससे हमने तो फिर इसको बनाने का तरीका होता है कि हमने हाथ पे पानी ले लेना, ये हमारा पूरा बन गया। इस तरीके से कर लेना, इस तरीके से करके इसको सभी साइडों से ऐसे। अब हमने हाथ में इसमें पानी लेना होता है, एक कटोरी में पानी लेंगे बनाएंगे। हमने इसमें पानी लेके हाथ में पानी लगा लेना दोनों हाथ में, और ये ऐसे दबाते जाएंगे। मक्की की रोटी किनारे से ऐसे फट जाती है, दबाएंगे कि किनारे से ना फट जाती है। इसको हथेली के ऊपर ही रख के ऐसे दबाई जाती है, साथ साथ पानी लगाया जाता है दोनों हाथों से। लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है, तो और साइडों से हमें इसको बार बार ऐसे करते रहना होता है ऐसे। तो तब ये हमारी मक्की की रोटी बनके तैयार हो जाती है। घी लगा के तो तब हमने फैला लेना है, और ये मक्की की रोटी इसको हमने आराम से ऐसे रख दिया। इसी तरह से हम क्या है कि हमारे से रोटी कई बार ये नहीं बनती, हर एक आदमी नहीं बना सकता, तो मैं इसको एक रोटी आपको दूसरे तरीके से कैसे बनानी। आटा बिल्कुल सेम ही गूंदा जाएगा, लेकिन इसको हमने किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? इसका भी पेड़ा ऐसे ही करना है, लेकिन ये चारों साइड से नहीं फटे तो, और जल्दी भी बनती है ये। दूसरा तरीका है मेरा, एक पन्नी ले लेनी है, मैंने जिससे आटा निकाला था वही वाली पन्नी ले ली है, मक्के के आटे वाली। तो इसमें हमने पानी भी नहीं लगाना, और ऐसे ही इसके अंदर हमने आटा रख देना और इसको ऐसे बेलना। ये देखिए बहुत अच्छे से हो जाएगी और बराबर भी हो जाएगी, आप देखते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी रोटी गोल हो रही है। ये बनके तैयार होगी। अब ये जो पहली रोटी थी हमने लगाई थी इसको एक साइड से, अब ये देखिए दूसरी साइड, तो हमने घी लगा देना चारों साइड से। ये हमारा एक साइड बन गया, देखिए बहुत अच्छे से सिक गया है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी, देसी घी में बना सकते हैं आप, और अगर देसी घी नहीं भी है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल डालडा या कोई भी ऑलिव ऑयल किसी में भी आप बना सकते हैं। मेन ये है कि इसमें घी लगता ही है, अगर मोटी रोटी है तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं, इस पर करके इसको ऐसे स्पैचुला से करेंगे। बहुत अच्छे हमारा ये सिक्के है, और हमेशा से आपने ये भी देखा कि जब भी कोई साग बनता है तो मक्की की रोटी
ये देखिए दूसरा साइड भी मेरा बहुत अच्छे से सीख गया। इसमें भी आप ऐसे कर लें ताकि इसमें जो भी कच्चा ना रह जाए अंदर से, उसको दबा दबा कर आप ये बना लें। बहुत बढ़िया बन गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारी। और अब दूसरी रोटी जो मैंने बनाई थी जो आसानी से बन सकती है, इसको बताती हूँ। पहले मैं इसको उतार लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया, इस पर हमने घी जरूर लगाना होता है। मक्के की रोटी अगर हमने डाली और घी न डालें तो समझो उसका स्वाद आधा रह गया। और इसके साथ ही मैंने साग कैसे बनाया वो भी बताया था आपको। तो ये है हमारा साग, बहुत ही बढ़िया साग और मक्के की रोटी। साग अब जितने भी हो, साग होते हैं पालक बाथू और बाकी सारे साग मिला के, और इसमें भी एक चम्मच आपने डालनी है देसी घी। और ये आपके लिए तैयार हो गई है मक्की की रोटी और सरसों का साग, सरसों का पालक सब कोई सब कुछ मिला के आप लोग तैयार लीजिए, खाइए और इसका स्वाद लीजिए। और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये किस तरीके से है। बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी। नहीं इसी तरह से हम क्या है कि हमारे से रोटी कई बार ये नहीं बनती, हर एक आदमी नहीं बना सकता। तो मैं इसको एक रोटी आपको दूसरे तरीके से कैसे बनानी, आटा बिल्कुल सेम ही गूंदा जाएगा लेकिन इसको हमने किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसका भी पेड़ा ऐसे ही करना है लेकिन ये चारों साइड से नहीं फटे तो, और जल्दी भी बनती है ये। दूसरा तरीका है मेरा, एक पन्नी ले लेनी है, मैंने जिससे आटा निकाला था वही वाली पन्नी ले ली है, मक्के के आटे वाले। तो इसमें हमने पानी भी नहीं लगाना और ऐसे ही इसके अंदर हमने आटा रख देना और इसको ऐसे बेलना। ये देखिए बहुत अच्छे से हो जाएगी और बराबर भी हो जाएगी, आप देखते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी रोटी गोल हो रही है। ये बन के तैयार हो गई, अच्छे से बेली हुई है। इसको हाथ पे रख के ऐसे हटा लें, बहुत बढ़िया। ये थोड़ी बारीक भी बनी है, किसी को बारीक खानी होती है तो ये। इसको भी हमने तवे पे तेल लगाना, पहले घी लगाओ तेल लगाओ और फिर इसको ऐसे हमने रख देना। शुरू में सेक जो है वो कम ही रखें तभी अच्छा रहेगा। तो फिर आपने घी लगा देना, घी में ये रोटी अच्छी बनती है। और स्पैचुला से ही आपने पलटना है क्योंकि हर एक जो है वो उससे पलट नहीं पाता है, कई बार हाथ जल जाता है। तो आप स्पैचुला लें ये वाला, तो इसी से ही आप रोटी को पलटेंगे स्पैचुला से। इससे क्या होता है और इसको ऐसे ये देखिए, आपको लगता है कि थोड़ा सा और सेट में तो ये इधर से है लेकिन यहाँ से हल्की सी इधर से कच्ची है। तो मैं इसको दोबारा इस पर घी लगा के आप अच्छे से। और आज के बाद ये जो मैंने आसान विधि बताई है उससे रोटी बनाएंगे तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपने कितना बड़ा काम सीख लिया। पता ही लगेगा कि हमने क्या क्या काम कर लेते हैं बड़े आसानी से। बहुत अच्छे से सीख गई है, और देखो बिल्कुल ये भी वैसे ही बनी है जैसे हाथ से बनाते हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते, अगर साग सीखना है आपने तो मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिएगा और मक्की की रोटी देख लीजिएगा। मक्की की रोटी के साथ ही और किस तरीके से बनाना है क्या है अगर कुछ है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और किसी ने कोई कमेंट्स दिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं इसकी। आपने अगर साग या कोई भी चीज़ देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देख लीजिएगा। ये हमारी रोटी बिल्कुल बन के तैयार होगी, दूसरी साइड देख लेते हैं बहुत बढ़िया। और हम इसको और मैंने अभी आपको पहले ही बताया जब भी आपने रोटी खानी है तो देसी बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी और फर्स्ट क्लास रोटी जो सब बिल्कुल प्रॉपर पकी हुई है इसको कहते हैं मक्के की रोटी। सच बता दिया मेरा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर देखें और बनाएं। ये एक साइड जब पक जाएगी तो हमें इसको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसे पलट लेना।
जब हम इस साइड जो ऊपर की है साइड, सबसे पहले जो नीचे थी साइड नंबर वन, ये जब इस दूसरी साइड पक जाएगी ना दूसरे नंबर की, तो हम इस पे घी लगा के इसको पलटेंगे। बहुत बढ़िया बन गया है। अब हम ये इसी साइड में घी लगा के इसको पलट देंगे। देसी घी है, जो मैंने आगे भी बताया कि घर का घी जो होता है वही बढ़िया होता है। आप घर में घी बनाएं, किस तरीके से बनाना है वो मैंने एक रेसिपी डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जरूर देख लें। ये देखिए जितना हम अच्छे घी लगाएंगे उसी से रोटी जो है हमारी मक्का की बहुत बढ़िया बनती है। इससे आज बनाएंगे हम चूरी। घी लगा लेना था और ये पन्नी से हमने रोटी डालना। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी पन्नी के अंदर, उसको ऐसे उठा लें और धीरे धीरे इस तरह से आपने उसको निकाल देना। बहुत ही बढ़िया रोटी बनी है। ये भी हमने तवे पे इसको दो हाथों से रखा। अब इसकी जो है ना ये काफ़ी बारीक बन जाती है। कई लोग बारीक खाना चाहते हैं तो इस तरीके से, और मोटी खानी है तो आप हाथ से बना सकते हैं। आपने सेक जो है वो मीडियम रखना है, लो रखें मीडियम रखें, तभी वो चलेगा। फिर बता देती हूँ कि पहले पन्नी में किस तरीके, पन्नी को खोल के उसके अंदर हमने आटा रख देना है और फिर पन्नी इसको हाथों को दबा देना इसे, और फिर हमने इसको बेलने से एक तो बारीक हो जाएगी रोटी और दूसरा टूटेगी भी नहीं बीच से। जो मोटे वाली रोटी थी ये देखो बहुत बढ़िया बन के, अभी निकालेंगे देखते हैं इसको। पहले हमने जो डाली थी उसको देखते हैं, देखो बहुत बढ़िया रोटी बन के तैयार है। अब मीडियम सेक के रखेंगे हम, तभी अच्छे से बनेंगे। मीडियम सेक जो है उससे रोटी अंदर तक पक जाती है। और जब ये दूसरा साइड हमने नीचे रखा है इसको हमें तो आदत है इस तरीके से बनाने की, तो हम तवे पे हाथ लगा लेते हैं, लेकिन जब आपको नहीं है तो आप स्पैचुला से ही करेंगे। अगर बहुत मोटी रोटी बन जाती है तो आप उसको बीच में से छेद भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ही पतली और बहुत अच्छी रोटी बनाई है, हमें छेद करने की जरूरत नहीं है। इसको अब हम पलट के देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया। घी जरूर लगाएंगे, मक्की की रोटी हो तो इस पर घी हमें बहुत अच्छे से लगाना होता है ताकि अंदर तक ये सिक जाए। मक्का की रोटी अब बन गई है, इसको हम देख लेते हैं दूसरी साइड से बनी है कहीं, तो ये देखिए बहुत बढ़िया बन गई। दूसरे साइड भी बहुत अच्छा हो गया, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। पहली हमारी ये रोटी बनी थी, दूसरी ये, दोनों के साइज में देख रहे हैं कि ये थोड़ी मोटी है, ये बारीक है। एक बार फिर दिखा देती हूँ हम कैसे गई। इसको ऐसे हटाएंगे तो ये हमारे चिपकती नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से किनारे से भी ये कटी गई। इसको हमने इसमें घी लगाई हुआ लगा लिया और इसको दो हाथों से बहुत धीरे रखते हैं, बस इस तरह से सेकते जाना है। अब आप किसी को पूछने नहीं जाएंगे कि मक्का की रोटी कैसे बनाएंगे, अब आप परफेक्ट होंगे। अब आप जल्दी से जल्दी सरसों का साग बनाएं, या साग में भी सब साग जो भी साग की दुकान पे होते हैं आप सब साग ले लें मिक्स करके उसमें डाले। वो भी मैंने एक रेसिपी साग कैसे बनाए थे वो भी मैंने डाल दी है, आप उसे देखें। और इन सर्दियों में बिल्कुल स्वस्थ होगी, कहते हैं कि जब सर्दियों में खाया हुआ ही जो होता है वही गर्मियों में शरीर को चलाता है। एक बार सर्दियों में अच्छे से जो मौसमी चीज़ें होती है उसे खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे।
का बन गया ये किनारे से। रोटी बनते ही हमने इसको घी से जरूर चोपड़ दें ताकि इसके अंदर तक घी चला जाए। चारों साइड इसके घी लगाना बहुत ही जरूरी होता है ताकि इसके सारे किनारे अच्छे से सिक जाए। ये देखो घी लगाने से ये बहुत ही अच्छा सिक जाता है। और अब जो नीचे साइड गई है उसको भी लगा देते हैं। ये भी हमारी रोटी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गई और जली भी नहीं। अक्सर क्या होता है तेज सेक कर देते हम तो जल जाती है और कहीं से भी देखिए कहीं से भी कच्ची नहीं है कहीं से भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से बन गई है रोटी हमारी। ये देखिए दोनों साइड इसके बहुत बढ़िया बन गए। इसको हम इस तरीके से आगे चीज़ ये देखिए हमारी दोनों साइड से रोटी बहुत ही सिक गई है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये हमारी रोटी बन गई है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि मैंने साग जो बनाया था जिसकी रेसिपी मैंने डाल दिया है अक्सर ज़्यादातर मैंने क्या करती हूँ कि साग लेके पहले बना लेती हूँ। ये मैंने साग बनाया हुआ है और इसको गर्म करना है। गर्म करने का भी एक यही तरीका है कि हमने इस पर घी डाल लेना और फिर ये साग डालना जो मैंने बना रखा था। साग को साथ गर्म करते रहे और साथ साथ खाते रहे बस इसी तरह से मक्के की रोटी का मज़ा आता है। साथ साथ आप साग गर्म करें और साथ साथ बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया हमारा बन गया साग। अब हमने ये जो साग है प्लेट में डाल देना साग के ऊपर घी जरूर डालना है बिना घी के साथ बढ़िया ही नहीं। और अब तैयार हो गया। अब आप परफेक्ट इन पे भी घी रखेंगे जरूर। सूखी रोटी कभी भी नहीं रखते हैं घी लगाते हैं रोटी पे तभी हम इसको खा पाते हैं। तो हम लोग ताकत तभी आती है जब काम करेंगे काम करेंगे तो खाएंगे भी जरूर। तो आप ये सारी बहुत बढ़िया से है अब इसे बिल्कुल आपके खाने के लिए तैयार है आप खाइए। हरियाणा हुआ पानी बच्चे भी इंतजार कर रहे थे लेकिन मैंने पहले आपको बता दें तो वो भी ये यही है सरसों का साग बोले या साग और मक्के की रोटी। वेलकम बेटा आप खाओ बहुत इंतजार कर लिया आपने। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।